है, लेकिन अगर फलाना आपके साथ नहीं खड़ा हो तो लोगों को भरोसा नहीं होता, संदेह होने लगता है। वैसे ही कल जब अमित शाह मंच से बोलेंगे तो उनके साथ उनके एनडीए के सहयोगी दल नहीं होंगे, तथाकथित रूप से बीजेपी लोग, बिल्कुल बीजेपी के नेता रहेंगे, जबकि ये मीटिंग जो है वो कहा जा रहा है कि एनडीए की है, शक्ति प्रदर्शन है। नीतीश कुमार ने अपना शक्ति प्रदर्शन 23 तारीख को कर दिया, अब मौका भारतीय जनता पार्टी का था, और भारतीय जनता पार्टी अगर ये फैसला कर लेती है कि मेरे एनडीए में कौन कौन होंगे, तो कारण यही बताया था नीतीश कुमार ने कि आप मेरी पार्टी को और मेरी कुर्सी दोनों पर आपकी नजर थी। वर्तमान बदली हुई परिस्थिति में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो हैं, लेकिन नीतीश कुमार जो भारतीय जनता पार्टी के साथ होते हैं, जो रणनीतियां बनाते हैं, उसके लिए आपको वक्त चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने अपने बहुत सारे आइडियोलॉजी को लागू किया है, कुछ आइडियोलॉजी और है जिसको लागू करना है उसे, और इतना ही नहीं, और अब जिस स्थिति में, जिस स्टेज में भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को केंद्र की सत्ता में ढाल दिया है, वहां से उसका सत्ता से हटना उसके लिए बहुत बड़ा कहा जाए तो काल हो जाएगा। आपने देखा कि एक लंबे समय तक शासन करने वाला। नमस्कार, गेम समझिए में आज हम बात करेंगे भाजपा का जो टालम टोल रवैया है वह कुशवाहा और चिराग पासवान पर कितना पड़ेगा भारी, क्योंकि अमित शाह की है अलग तैयारी। बाबा हमारे साथ हैं, बाबा कितना भारी पड़ेगा चिराग पासवान के लिए और उपेंद्र कुशवाहा के लिए? आपने तो यहाँ से दिल्ली तक का सारा रास्ता ही खोल दिया कि कैसे कैसे जाना है, लेकिन हम अब दूसरे रास्ते से नहीं जाएंगे। आप दूसरे रास्ते से जाइए। हम दूसरे रास्ते जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी को क्या चाहिए, तो अंधा को क्या चाहिए, एगो आंख, बस एको को मिल जाए तो काफी काम चल जाएगा। अगर दोनों मिल जाए तो अब तो फिर बल्ले बल्ले। भारतीय जनता पार्टी को और कुछ मत चाहिए, बिहार उसके हाथ में रहे न रहे, केंद्र की सत्ता उसे हर हाल में चाहिए, क्योंकि वो स्टेयरिंग है जहां से वो पूरे देश को घुमा सकते हैं। और अब जिस स्थिति में, जिस स्टेज में भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को केंद्र की सत्ता में ढाल दिया है, वहां से उसका सत्ता से हटना उसके लिए बहुत बड़ा कहा जाए तो काल हो जाएगा। आपने देखा कि एक लंबे समय तक शासन करने वाली कांग्रेस पिछले 10 सालों में कहां पहुंच गई है। इसका सीधा मतलब है कि सत्ता पर आने के बाद जो आप करते हैं, जो रणनीतियां बनाते हैं, उसके लिए आपको वक्त चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने अपने बहुत सारे आइडियोलॉजी को लागू किया है, कुछ आइडियोलॉजी और है जिसको लागू करना है उसे, और इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी लोगों में एक विश्वास भरोसा जगाती है, सबका साथ सबका विश्वास, ये सारी चीजें कहते कहते अब भारतीय जनता पार्टी उस जगह पर आ गई है जहां उसके लिए हारना मैंने मौत के समान होगा। भारतीय जनता पार्टी के पास जब नीतीश कुमार पिछले साल अगस्त में पाला बदले, तो कारण यही बताया था नीतीश कुमार ने कि आप मेरी पार्टी को और मेरी कुर्सी दोनों पर आपकी नजर थी। वर्तमान बदली हुई परिस्थिति में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो हैं, लेकिन नीतीश कुमार जो भारतीय जनता पार्टी के साथ होते हुए जितना संतुष्ट और खुश होते हैं उतना नहीं है, ये बातें अब साफ नजर आ रही है। हमने एक खबर किया है अनिल जी, जिस खबर में हमने बताया था कि जो वर्तमान सिनेरियो जो देखने को मिल रहा है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपना कुनबा बढ़ाने की कोशिश कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे ज्यादा देश भर की राजनीति को एक अलग कटघरे में रख दीजिए, तो दूसरे पलड़े में आप रख सकते हैं कि बिहार है। मतलब बिहार का पलड़ा इतना झुका हुआ है कि बार बार बगल वाले पलड़ा पर कुछ भी डालने के बाद वो बार ऊपर नहीं आ रहा है, बराबर पैरेलल नहीं हो रहा है। इसका सीधा मतलब है कि बिहार कहीं ना कहीं वो कंकर डाल चुका है जिससे हलचल हो चुका है। 23 तारीख की बैठक समाप्त होने के बाद भारतीय जनता पार्टी को उसी बैठक का इंतजार था। आपने देखा होगा 24 तारीख को जेपी नड्डा का जो कार्यक्रम था वो भी कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास था कि इस बैठक में अगर सफल नहीं होती है तो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क उसके साथ खड़ा हो जाएगा। उसके बाद आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी लगातार, और जब हम खबर कर रहे हैं उसके एक दिन बाद, अमित शाह को बिहार आना है, लखीसराय में अमित शाह आ रहे हैं, बिल्कुल लखीसराय में आ रहे हैं, और ये लखीसराय जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया है कि इसकी पूरा ड्रामा और पूरी रणनीति, पूरा कथा कहानी जो है 2019 में लिखा गया था। 2019 में आपको याद होगा कि ये सीट छोड़नी पड़ी थी,
मुंगेर की, मुंगेर के ललन सिंह जी, मुंगेर की सीट छोड़ने के लिए दो दलों को आपस में सामंजस्य बिठाना पड़ा था और भारतीय जनता पार्टी को एक राज्यसभा का गिफ्ट देना पड़ा था। जैसे ही छोड़ा गया वैसे ही ललन सिंह को वहां रखा गया और ललन सिंह जीत करके भी आ गए, जो 2000 आपको याद होगा कि 9 में और 2014 में भी वहां से चुनाव लड़े थे, 2014 में बुरी तरह से पराजित सारे थे अनंत सिंह की पत्नी जी, 2014 में सूरजभान सिंह की पत्नी वीना देवी से ललन सिंह की जबरदस्त हार हुई। बिल्कुल बिल्कुल, आपने देखा होगा 2019 में उन्होंने कितना ड्रामा किया था वीना देवी ने, उन्होंने साफ तरीके से कह दिया था कि यदि उन्हें मुंगेर मिलता है तो वो चुनाव लड़ेंगे वरना वो नहीं लड़ेंगे, उन्होंने काफी विद्रोह भी किया था। इन सारी बातों को आप निश्चित रूप से भारत लाइव के दर्शक और बिहार के लोग भी जानते हैं, लेकिन इन सब बातों में हम जो ये बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी टाल मटोल कर रही है, ये सारा सब कुछ हो गया है, अमित शाह को बिहार आना है और बिहार आकर के उनको शक्ति प्रदर्शन करना था, तो अकेले शक्ति प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? एक तरफ आप देख रहे होंगे कि बड़ा एक दायरा बनाने की कोशिश की जा रही है, 6 दल हैं तो उसमें 8 दल जोड़ने की कोशिश की जा रही है, आप लाइन से देख लीजिए कि एक तरफ जहां चिराग पासवान दोनों अब लोजपा का दोनों गुट है, चिराग पासवान भी है, पशुपति कुमार पारस भी है, दोनों लाइनअप है, एक तो है दूसरा लाइनअप है, लाइन में खड़े हैं इंतजार कर रहे हैं बिल्कुल सिग्नल का। तो ये दो दल हो गए। तीसरा आपने उपेंद्र कुशवाहा को भी देखा, अपनी पार्टी बना लिए हैं, 2014 में भी साथ में थे, उसका रिकॉर्ड भी उनका अच्छा था, 100% 2014 में उन्होंने रिकॉर्ड लाया था। उसके बाद आप देख लीजिए कि मैं जीतन राम मांझी भी ऑलरेडी मैंने अनाउंस कर चुके हैं कि बिना शर्त के गए हैं। उसके बाद आप देखिए कि मुकेश सहनी की भी चर्चा चल रही है, करीब करीब माना जा रहा है कि जाना ही जाना। बिल्कुल, इसके अलावा आप देख लीजिए कि आम जनता पार्टी राष्ट्रीय है, विद्यापति चंद्रवंशी की पार्टी, वो भी पूरी तरह से कर एक हमें इंडिया के साथ जा रहे हैं। आप भारतीय जन परिवार पार्टी की बात करें तो वो भी माली पृथ्वी माली भी कह रहे हैं कि हम उनके साथ जा रहे हैं बिना शर्त के ये लोग जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि कल पप्पू यादव बैठ करके और गिरिराज सिंह से डील कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो संभावना व्यक्त कीजिए ना कि पप्पू यादव भी जा रहे हैं, भले ही वो जितना भारतीय जनता पार्टी की बुराई कर लेंगे तो होते रहता है, लेकिन अब जो स्थिति सामने आई है कि ये भानुमति का कुनबा जोड़ने से अच्छा भारतीय जनता पार्टी एक को जोड़ ले, एक साधे सबसे दे सब साधे सब जाए नीतीश कुमार जी को। अब नीतीश कुमार भले ही जितना भी कर रहे हो, हम लगातार खबरों में हम बता रहे हैं कि नीतीश कुमार महागठबंधन को एकजुट तो करना चाह रहे हैं जी, लालू प्रसाद के देखरेख में ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन यदि महागठबंधन बनने की जब अंतिम प्रक्रिया चल रही हो, नीतीश कुमार उसको नेता के रूप में अपने आप को मान रहे हो कि भाई हम इसको गाइड करेंगे लीड करेंगे, लेकिन अचानक से अगर लालू प्रसाद अपना लाठी पहना लेकर के बैठ जाते हो तो लालू जी की आदत भी रही है कि अपने सामने किसी को उठने नहीं देते। बिल्कुल, ये तब और ज्यादा प्रमाणित हो जाती है जब 23 तारीख को मीटिंग के बाद, मीटिंग के भीतर क्या हुआ कुछ बातें छन-छन के जो आई हैं वो तो सबको समझ में आ गई, लेकिन मीटिंग के बाद कि शत प्रतिशत माने सफल नहीं माना जा सकता इसको, लेकिन उससे भी ज्यादा नीतीश कुमार के लिए और परेशानी का कारण हो गया कि नीतीश कुमार से छीन करके लालू प्रसाद ने उस पूरे बैठक को हैक कर लिया और कहीं ना कहीं मीडिया के सामने भी उन्होंने ब्राउनी पॉइंट ले लिया। अपने मन से उन्होंने शादी ब्याह की चर्चा कर दी, एक बार भी उन्होंने नीतीश कुमार की चर्चा नहीं की, यही हमारा छोटा भाई है, दूल्हा मेन दूल्हा का चर्चा नहीं हुआ, बाकी जो है ये भी नहीं कह पाए कि हमारा छोटका भाई है भाई इसको। 2015 में तो अनिल जी आपको याद होगा कि नीतीश कुमार मंच पर लेकर के घूमते थे, नीतीश कुमार को माला पहना के जनता से पूछते थे कि पहना देना माला मुख्यमंत्री आप लोगों को स्वीकार है ना, वहां तो एक नजर आया कॉज, लेकिन यहां तो साफ कॉज नहीं नजर आ रहा है। और हम बार बार ये बात बता रहे हैं कि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार में अगर कहीं अटका हुआ है तो वो है मुख्यमंत्री की कुर्सी। उसके बाद भी ये जरूरी नहीं है कि नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी दे देते हैं तो लालू प्रसाद जो इशारा कर चुके हैं कि दूल्हा कौन होगा, किसके बारात में जाना चाहते हैं राहुल गांधी, किसके बारात में जाना चाहते हैं वो, दूसरा उन्होंने एक और इशारा कर दिया मोदी को भी शादी कर लेना चाहिए, शादी कर लेना चाहिए, इसका सीधा मतलब है कि उन्होंने इशारा कर दिया है कि ये दो दूल्हे हैं जिनमें से जिसे चुनना है उसे चुन लीजिए। और अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें एक चीज तो साफ नजर आ रहा है कि अगर ऐसा होता है जो कि
इतना लंबा बातचीत के दौरान कई तस्वीरें आपके सामने आई होगी उपेंद्र कुशवाहा के साथ, कई तस्वीरें उनको अलग अलग लोगों से मुलाकात करते हुए, उपेंद्र कुशवाहा की टीम में लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं, यहाँ तक कि कुछ सीटें भी हैं जिसको माना जा रहा है कि क्लियर हो गया है, काराकट की सीट क्लियर हो गया है, समस्तीपुर का सीट क्लियर हो गया है, सीतामढ़ी का सीट बताया जा रहा है क्लियर हो गया है, बताया जा रहा है कि सुपौल का सीट क्लियर हो गया है, इसके बाद जहानाबाद बताया जा रहा है क्लियर, मतलब चर्चाएं 8-9 सीटों की चल रही है, लेकिन अभी तक फाइनल कुछ भी नहीं है जी। अभी तक फाइनल कुछ भी नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा को यह भी पता नहीं, उनके लोगों से पूछिए तो वो संतुष्टि तो जाहिर करते हैं, लेकिन कुछ भी फाइनल नहीं है, और ना किसी मंच पे इनको भारतीय जनता पार्टी ने बुलाया है एनडीए के मंच पे। अब जैसे कल ही आप आ रहे हैं मंच से, आप कह दीजिए कि फलाना मेरे साथ है, लेकिन अगर फलाना आपके साथ नहीं खड़ा हो तो लोगों को भरोसा नहीं होता, संदेह होने लगता है। वैसे ही कल जब अमित शाह मंच से बोलेंगे तो उनके साथ उनके एनडीए के सहयोगी दल नहीं होंगे, तथाकथित रूप से बीजेपी लोग, बिल्कुल बीजेपी के नेता रहेंगे, जबकि ये मीटिंग जो है वो कहा जा रहा है कि एनडीए की है, शक्ति प्रदर्शन है। नीतीश कुमार ने अपना शक्ति प्रदर्शन 23 तारीख को कर दिया, अब मौका भारतीय जनता पार्टी का था, और भारतीय जनता पार्टी अगर ये फैसला कर लेती है कि मेरे एनडीए में कौन कौन होंगे, तो नीतीश कुमार के लिए इसका मतलब है कि रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाता है जी। अभी तक दरवाजा खोल के रखा, मतलब कि बीजेपी सिर्फ चाह रही है कि अपने स्तर पर हम करें, अपने सहयोगियों को सामने नहीं लाए, क्योंकि नीतीश कुमार जी की संभावनाएं बनी हुई है लगातार हम लोग इस बार। बिल्कुल बिल्कुल, अब वही वो मौका है। आपको याद होगा कि इससे पहले भी 2019 में सबको छोड़ करके नीतीश कुमार को साथ ले लिया था, उपेंद्र कुशवाहा बाहर हो गए थे, चिराग पासवान थे, लेकिन बीच में उनको बाहर होना पड़ा था क्योंकि उन्होंने अड़ंगा लगाया था कि आप क्यों ले रहे हैं इनको। हम मुझे पूरी तरह से याद है, और जब मैं अगर सही हूं तो 2019 में जब नीतीश कुमार, माफ कीजिए 2017 में जब शिफ्ट कर रहे थे उधर, तो सबसे बड़ा कोई अगर प्रबल विरोधी था जिसने ये तक कह दिया था कि हम आपके गठबंधन को छोड़ देंगे अगर नीतीश कुमार आते हैं, तो वो उस शख्स का नाम था रामविलास पासवान। लेकिन किसी तरह से नरेंद्र मोदी ने अपने पास बुला करके समझाया कि देखिए आगे की रणनीति के लिए नीतीश कुमार का आना जरूरी है, ये फैक्टर्स हैं, इस फैक्टर में नीतीश कुमार अगर रहते हैं तो हम लोग बेहतर प्रदर्शन करेंगे, और उसका नतीजा भी निकला कि 6 में से 6 सीट जीत करके आई। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि उपेंद्र कुशवाहा पहले ही निकल चुके थे, उपेंद्र कुशवाहा 2017 में जैसे आए वो निकल चुके थे, उसके बाद आपने देखा कि कैसे जीतन राम मांझी भी निकल गए थे, यहाँ तक कि मुकेश सहनी भी जो सपोर्ट में खड़े थे, भले अपनी पार्टी नहीं बनाया था लेकिन भाजपा, सभी निकल गए थे। एक बार फिर से उसी तरह का जो रास्ता जो है इतिहास नजर आ रहा है, फिर से इतिहास दोहराया जा सकता है, और अब तक जो टाल मटोल भारतीय जनता पार्टी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी चाहिए था कि एक तरफ नीतीश चलेगा उनको नहीं लेना है तो साफ अनाउंस कर देती कि फलाना फलाना मेरे साथ है भाई, सीट से नहीं हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन फलाना फलाना है मंच पर खड़ा होकर के अनाउंसमेंट कर देते, अपना शक्ति प्रदर्शन करते, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। इसका सीधा मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी टाल मटोल कर रही है, और जो लोग इंतजार में बैठे हुए हैं जो 2019 के चुनाव में बाहर हो गए थे, एक बार फिर से अगर 2024 में उन्हें बाहर होना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन बाबा एक आखिरी सवाल है कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेने की बात हो रही है, पिछली बार 16 सीट जीता था उन्होंने, 16 सीट मिला, 16 पर जीता जी, तो वैसे में 17 मिला, 16 पर जीते थे, एक किशनगंज लूज किया था, हाँ किशनगंज, बाकी 17 ये था, 6 आपको था लोजपा, एक जी। तो वैसे में जब कहा जा रहा है कि बीजेपी 30 सीटों से कम परेशान नहीं लड़ेगी, तो फिर कैसे सीटों का तालमेल कैसे होगा? देखिए कहने और करने में बहुत अंतर होता है। जब भारतीय जनता पार्टी अपनी जीती हुई 5 सीटें नीतीश कुमार के गठबंधन के लिए छोड़ सकती है, तो क्या आपको लगता है कि उसने डेडलाइन थोड़े डाल दिया है? जहां जीतने वाली, अब जैसे उपेंद्र कुशवाहा काराकट में मजबूत है जी, तो आप थोड़े उनको हटा दीजिएगा, निश्चित तौर पर वहां से उनकी जीत। उपेंद्र कुशवाहा के छत्रप जो है सुपौल में खूंटा गाड़े हुए हैं, नौकरी तक छोड़ दिया है उन्होंने, बैद्यनाथ मेहता की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने वीआरएस ले लिया, 7 साल नौकरी बचा हुआ था, और वैसा आदमी अगर छोड़ करके बैठा हुआ तो ऐसे थोड़े बैठा हुआ है, उस आदमी को पता है सामाजिक सेवा करते करते उन्होंने आम जनता से उनका जुड़ाव है, उनका वोट बैंक वहाँ अच्छा है, इसलिए वहाँ खूंटा गाड़े हुए हैं, तो उसको कैसे हटा दीजिएगा? जिन लोगों के पास जितनी भी क्षमता है उस क्षमता के हिसाब से आपको सीट देना होगा। आप जीतन राम मांझी को सिर्फ इस बात से संतुष्ट नहीं कर सकते हैं कि आप उधर से आ गए हैं तो आइए मेरे यहाँ भोज कर लीजिए, कम से कम भोज नहीं करेंगे, छाना भी बांध के ले जाएंगे, कम से कम एक सीट देना होगा। बिल्कुल जी। तो ये सारी चीजें नजर आ रही हैं, और कहीं ना कहीं एक बात तो साफ नजर आ रही है कि आपको याद होगा कि आप ही लोगों के साथ डिबेट में
हिंदुस्तानी आवाम पार्टी की प्रवक्ता जो है पूजा सिंह वो बता भी रही थी, मुस्कुरा रही थी जब ये बातें हो रही थी कि भाई आप लोग चले गए हैं पहले नीतीश कुमार के लिए वहाँ रास्ता उसका झाड़ बाहर करके ठीक कर रहे हैं। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था कि कुछ भी संभव है सियासत। और हम लोग कह भी रहे हैं कि जिस प्रकार से ईजीवे में जीतन राम मांझी गए कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सहमति। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये भी बातें हम लोगों ने कही है। तो देखना होगा कि ये जो है गेम वो बड़ा उलझा हुआ है, इसी को समझने की जरूरत है। चलिए धन्यवाद बाबा। तो गेम समझिए में आपने समझा कि किस प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान के लिए समझने की बात है कि उनको जिस प्रकार से टाला जा रहा है, और कल लखीसराय में जिस प्रकार से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बैठक है इसमें तमाम सहयोगियों को दूर रखा गया है, सिर्फ बीजेपी के नेता वहां रहेंगे। वैसे में यह सवाल जरूर उठता है कि कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी का चाह रहा है कि अभी तमाम अपने जो साथी हैं उनको दूर रखा जाए, क्योंकि 100 कमजोर दोस्त से एक मजबूत दोस्त ज्यादा बढ़िया है। वैसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वापसी का इंतजार बीजेपी कर रही है या बात कुछ और है, यह समझना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल आप बने रहे भारत लाइव के साथ। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।